मच एक पब्लिक न्यूज चैनल से। आज मैं हूँ बॉम्बे के अंदर और यहाँ पर जो है एक आपने नाम सुना होगा शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे ये जो है ये नाम आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एक भाभी जी सीरियल आता था जिसमें उनका किरदार था कि सही पकड़े हो। तो ये एक जो उनका वर्ड था ये बड़ा अच्छा था, सही पकड़े हो, लोगों को पसंद भी आता था। अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, जो हमारे कांग्रेस के संजय निरुपम जी है उन्होंने उनको एक संबोधित किया हुआ है साल से और वो एक बड़ी उनको भी बहुत एक खुशी है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि उनके साथ वो बैठी हुई है। और जो ये शिल्पा शिंदे है ये भाभी जी एक सीरियल जो है उनका एक किरदार बहुत अच्छा था। हाँ तो मैडम एक चीज आप बताइए कि आप क्या सोच के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए और क्या आपकी मन की इच्छा है कि मतलब कैसा आप काम करेंगे? ये सोच के आई हूँ कि जैसे आज तक मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और उसमें कामयाब हुई, तो जो भी चीज़ें गलत होती है या होती है उसके लिए स्टैंड लूँ और आगे आकर मैं खुद आगे आकर लोगों की हेल्प करूँ। मैंने पूरी लाइफ से फ़ाइट ही फ़ाइट की है तो ये मेरे लिए छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आज ज़्यादातर जवाब नहीं दे पाई बिकॉज मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ों के लिए और अभी ये शुरुआत है। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ लग रहा है कि ये कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, और कांग्रेस जो है अब जो ये चेहरे लेके आ रही है, नए नए जो चेहरे लेके आ रही है, ये कहीं ना कहीं एक लोगों को पसंद आने वाले चेहरे हैं और ये एक साफ सुथरे लोग भी हैं। तो अब कांग्रेस को ये समझ में आया है कि मेरी पार्टी में कैसे लोग रहना चाहिए, एक साफ सुथरे लोग भी है। दूसरी चीज़ क्या है, इनको लोग पसंद भी करते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में सलमान खान साहब का भी नाम आया है, सलमान जी का नाम आया कि हाँ भाई इनको भी एक इलेक्शन में जो है हम उतारेंगे, तो ये भी एक बहुत साफ सुथरी चीज़ है और अच्छी छवि है इनकी, तो चलो एक बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हो कि शिल्पा शिंदे ने आप एक अपने दिल की एक बात भी रख दी कि हम इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं और ज़रूर हम लड़ेंगे इलेक्शन, और हम इस पार्टी को मतलब हम चाहते हैं इस पार्टी में आके कि हम कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान का एक बदलाव लावे, वो एक नई चीज़ है हमारे जो हमारा हिंदुस्तान आज कहीं ना कहीं हर चीज़ में आगे है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको आगे आना नहीं देना चाहते। तो हम मिल के जो है जब इस पार्टी में रहेंगे और कुछ पावर हमारे हाथ में रहेगा, कुछ हम करेंगे इनके लिए, तो हमारा कहीं ना कहीं ये देश आगे जाएगा। इनकी एक खुशी भी है और इनका एक इच्छा भी है कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मैं ये बहुत खुश नज़र आ रही है, तो चलो एक कांग्रेस एक बड़ी अच्छी राजनीतिक 2019 के इलेक्शन का कर रही है और मुझे उम्मीद भी है कि इनका मेहनत कहीं ना कहीं जाके सफल होएगा। मैं लाल मोहम्मद शेख, मैं फिर नई न्यूज़ के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।